हेलो माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है भाई सबके। आपका भाई आ चुका है आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के बहुत सारे अपडेट्स को लेके। ये है जस्टेक सिनेमा अपडेट्स का एपिसोड नंबर 233। तो चलो शुरू करते हैं। फिर आज का अपना सबसे पहला अपडेट है सुपरस्टार रजनीकांत और डायरेक्टर लोकेश कनगराज की मूवीज। तो जैसे आपको पता है कि थलेवार 171 मूवी का टाइटल अगले महीने 22 अप्रैल को ड्रॉप होने वाला है। तो मूवी के टाइटल को लेके अभी से खबरें आने लगी है, जहां बताया जा रहा है कि थलेवार 171 मूवी का टाइटल ब्लैक व्हाइट गोल्ड हो सकता है। और इस पूरे पोस्टर के अंदर भी सिर्फ यही तीन कलर विजिबल है। इसी के साथ मूवी से कुछ और डिटेल्स भी सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि मूवी के अंदर रजनीकांत का कैरेक्टर एक माफिया डॉन का होगा, जो कि पिछले 7 सालों से गोल्ड की स्मगलिंग करता है, वो भी सिंगापुर, दुबई और यूएस जैसे कंट्रीज के अंदर। अब देखते हैं इनमें से कितने रूमर सच होते हैं। अगली अपडेट है प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स की अगली मूवी जय हनुमान से, जहां कल प्रशांत वर्मा ने मूवी से एक क्लिप शेयर की और लिखा अंजनाद्री 2.0। इस क्लिप में वैसे ज्यादा कुछ था नहीं, अब ऑब्वियसली ये अभी कंप्लीट नहीं है। जब मूवी में ये सीन दिखेगा तो उसमें कई सारे एलिमेंट्स और रहेंगे, क्योंकि मूवी का वर्क अभी स्टार्टिंग फेज में ही है। साथ ही रूमर्स ये भी आ रहे थे कि मूवी से कोई ऑफिशियल अपडेट जल्द ही ड्रॉप होगा, प्रोबेबली 8 अप्रैल को हो सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो हमने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि एस शंकर की नायक मूवी का सीक्वल प्लान किया जा रहा है, और इन्हीं सब के बीच कल हमें एस शंकर और अनिल कपूर साथ में दिखे, जिसके बाद लोगों ने गेस करना शुरू कर दिया। और क्यों नहीं करेंगे भाई, इन दोनों को साथ में देख के और भी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आने लगे हैं नायक 2 मूवी से। बाकी आप बताओ कि नायक की सिक्वल के लिए आप कितने एक्साइटेड हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिशा पटनी हमें डांस करते हुए दिख रही है, और ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली ये वीडियो कल की 2898 AD मूवी के इटली सॉन्ग शेड्यूल से लीक हुई है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि ये न्यूज फॉल्स है, तो इनके ऊपर हम भरोसा ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि देखो यार कल की मूवी एक फ्यूचर टाइमलाइन में सेट है। और जरा आप यहाँ पर दिशा पटनी के कपड़ों को देखो और बताओ क्या फ्यूचर में भी ऐसी ही कॉस्ट्यूम पहनते होंगे लोग। इन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से दूर ही रहे, कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कोई अपडेट या फिर स्ट्रॉन्ग रूमर भी होगा तो हम आपको बता ही देंगे। बाय द वे, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे है जो रोज वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। भाइयों बहनों दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियोस को देखो यार। नहीं मतलब सब्सक्राइब करना फ्री है, आप रोज वीडियोस को देखते हो, आपको हमारा काम पसंद भी है, तो फिर सब्सक्राइब ना करने का क्या रीजन है। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट्स करने से हमारी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली खबर आ रही है अजय देवगन की अपकमिंग मूवी से, जहां उनकी मूवी रेड 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ रेड 2 के सेट से कुछ फोटोज भी लीक हुई है, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मूवी के सेट पर हमें रोहित शेट्टी भी दिखे। अब रोहित शेट्टी वहां पर क्यों थे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, क्या पता उनका कोई केमियो सीन हो मूवी के अंदर, या फिर कोई कार हवा में उड़ानी होगी इसलिए रोहित भाई को बुलाया गया होगा सेट पे। इसके अलावा अजय देवगन की मैदान मूवी का तो आपको पता ही होगा, मैदान रिलीज हो रही है 10 अप्रैल को, और ठीक 18 दिन के बाद अजय देवगन की एक और मूवी आनी है, औरों में कहां दम था। इनिशियली अनाउंसमेंट के टाइम पर मूवी 28 अप्रैल को रिलीज होगी ऐसा कहा गया था, लेकिन अब इससे 3 हफ्ते पहले ही अजय देवगन की एक और मूवी आ रही है, तो इसी वजह से औरों में कहां दम था डिले हो सकती है, क्योंकि अभी तक प्रमोशंस के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैदान के रिलीज के बाद इस मूवी के प्रमोशनल मटेरियल को ड्रॉप किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है नो एंट्री की सिक्वल मूवी से, जहां रिसेंटली बॉनी कपूर ने बताया कि नो एंट्री 2 मूवी लॉक हो चुकी है, जिसके लीड में होंगे वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ। इन सब के साथ मूवी को डायरेक्ट करेंगे अनीस बस्मी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नो एंट्री 2 के अंदर वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत पाजी तीनों के डबल रोल होंगे, और उससे बड़ी बात मूवी के अंदर 10 एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा, जिनकी कास्टिंग प्रोसेस मैदान मूवी के रिलीज के बाद शुरू होगी। और इन सब के अलावा बॉनी कपूर ने ये भी कहा कि मूवी की फिल्मिंग इस साल के एंड यानी कि दिसंबर 2024 में शुरू होगी। नेक्स्ट अपडेट है रॉकिंग स्टार यश और डायरेक्टर गीतू मोहनदास की मूवी टॉक्सिक से, जहां खबर आ रही है कि बेंगलुरु में मूवी के लिए एक सेट बनाया गया है, जहां 70s के टाइम के बैकड्रॉप को ध्यान में रख के बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स और ऑडिटोरियम्स बनाए गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का शूट 15 से 21 अप्रैल के बीच में शुरू हो जाएगा। अगली खबर आ रही है राजकुमार राव की अगली मूवी से, जहां राजकुमार राव एक इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोल्ला की बायोपिक पे काम कर रहे थे। इस मूवी का टाइटल पहले श्री रखा गया था, जिसको बदलकर श्रीकांत आ रहा है सबकी आंखें खोलने कर दिया गया है। मूवी के अंदर राजकुमार राव के साथ ज्योतिका और शरद केलकर भी होंगे। साथ ही मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं तुषार हीरानंदानी। मूवी रिलीज होने वाली है इसी साल 10 मई को। और आज की अपनी लास्ट अपडेट है देव पटेल की मंकी मैन मूवी से, जहां मूवी के ट्रेलर ने भाई साहब काफी एक्साइटमेंट बनाई थी और लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया था उस ट्रेलर को। तो मूवी ग्लोबली 19 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, लेकिन इंडिया के अंदर मूवी को एक वीक के बाद रिलीज किया जाएगा, यानी कि 26
अप्रैल को अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल स्टूडियोज इंडिया के अंदर भी मूवी को 19 अप्रैल को ही रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा सेंसर बोर्ड के ऊपर, क्योंकि भाई साहब मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा वायलेंस है। प्लस सेंसर बोर्ड को ये खास ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मूवी से किसी के भी सेंटीमेंट्स हर्ट ना हो, तो इस प्रोसेस के अंदर टाइम लग सकता है। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे, तो टाइम से आ जाना। दिस इज जैस, यू आर वॉचिंग जैस टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।